मेरा मोटरसाइकिल इधर ही तो ठहरा था। मौलवी साहब यार मेरा इधर मोटरसाइकिल खड़ा था, पता नहीं चोरी हो गया यार। ओहो, कौन लेके जा सकता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई चोरी लेके गया होगा और कौन, मुझे तो समझ नहीं आती मौलवी साहब आप अपना इधर बंदा क्यों नहीं बिठाते, ये कम से कम 2-3 कैमरे लगवा लें। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, मगर आपको नहीं पता कि मस्जिद के अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं, कैमरे और चौकीदार का खर्चा कहाँ से आएगा, कम से कम मेरी तनख्वाह में तो ये मुमकिन नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि लोग इतने बेगैरत हो गए हैं, मस्जिद के बाहर से एक नमाजी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, लानत है ऐसे लोगों पर। शेरों साहब, लोग तो मस्जिद के पंखे और टूटियाँ तक नहीं छोड़ते, हत्ता कि जूतियाँ भी ले जाते हैं, आपका मोटरसाइकिल तो फिर बाहर खड़ा हुआ। तो क्या मैं चुप करके घर चला जाऊँ, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, कोई मेरी जूती चोरी नहीं हुई। अंकल ये जो मोटरसाइकिल ठहरा था थोड़ी देर पहले ब्लैक कलर का, वो आपका था क्या? हाँ हाँ मेरा था, तुमने देखा कौन लेके गया? हाँ थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रशीद चिश्ती मोटरसाइकिल के ताले खोलने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा उसका होगा इसलिए मैं गुजर गया। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाके उसे देखता हूँ। या अल्लाह, इस कौम पे रहम फरमा और इसे हिदायत अता फरमा। उस्ताद जी ये मोटरसाइकिल भेजना है, बताओ कितने का लोगे? पहले तो ये बता तू है कौन और भेजा किसने है और मेरा पता किसने बताया तुझे? मैं जरूरतमंद हूँ और मजबूरी ने मुझे आपका पता बताया, आप परेशान ना हो, मैं पुलिस का कोई मुखबर नहीं हूँ, आप जल्दी से बाइक ले लें, मुझे बताएं कितने पैसे देंगे। वैसे तू जो भी है मेरा कर कुछ नहीं सकता, पर बात रही लेन देन की तो 50,000 का समझ आता है, बोल हाँ या ना। हाँ ठीक है उस्ताद, 50,000 दे दो जल्दी से, ये लो बाइक की चाबी। ये हुई ना बात, तू चल मेरे साथ मैं तुझे पैसे देता हूँ। ओए रशीद चोर कहीं के, खोल दरवाजा, निकल बाहर, निकल। जी अंकल आप दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं, अब तो घर नहीं है। झूठ मत बोल, मैं जानता हूँ वो चोर अंदर ही छुप के बैठा है, हट तू मैं खुद देखता हूँ। मैंने आपको बताया तो है अबू घर पे नहीं है, लेकिन उन्होंने किया क्या है? चोर है तेरा बाप, मेरा मोटरसाइकिल चोरी करके गया है, सच सच बताओ वो कहाँ है? मेरे अबू चोर नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकते, आज सुबह से अबू हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि अम्मी के गुर्दों का ऑपरेशन है। अच्छा तो वो बीबी का ऑपरेशन कराता फिर रहा है, मुझे ये बता कौन से अस्पताल गया है वो? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते बड़े अस्पताल जाने। चलो वो तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, आखिर कहाँ बच के जाएगा वो। डॉक्टर साहब मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया, अब जल्दी से मेरी बीवी का इलाज शुरू करें, मैं बड़ा परेशान हूँ। हम ऑपरेशन शुरू करते हैं, आप जल्द से ब्लड का इंतजाम कर लें। जी ठीक है, मैं अभी करता हूँ। रुक, भागता क्या? रुक, गैरत इंसान तुझे जरा शर्म नहीं आई मेरा मोटरसाइकिल चोरी करते हुए? कहाँ है मेरा मोटरसाइकिल, जल्दी बता वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। कर दो मुझे पुलिस के हवाले, बल्कि मैं कहता हूँ सजाए मौत दे दो। एक तो मेरी बीवी अस्पताल में पड़ी है, उसके इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, सबसे पैसे मांगे लेकिन किसी ने मदद नहीं की, आपके पास भी आया था, आपने क्या कहा था? देख रशीद, तू मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो मैं तुझे पैसे उधार दे दूं, और बात पैसों की नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन तू वापस कहाँ से करेगा? शरोज भाई मेहरबानी करें, मेरी बीवी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, मैं बहुत मेहनत करूंगा, आपको ऐसा ऐसा करके सब पैसे लुटा दूंगा, मेहरबानी करें मुझे दे दें। और यही मेहनत अगर तू पहले कर लेता ना तो आज मांगने की नौबत ना आती, चल जाए यहाँ से। शाबाश, अब कर भी दे मुझे पुलिस के हवाले, उधर अस्पताल में इलाज ना होने की वजह से मेरी बीवी मर जाएगी और घर में बेटी भूख की वजह से। अच्छा रशीद मत रो, मैं समझ सकता हूँ तेरी तकलीफ को, परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा, मत रो मेरे भाई मत रो। शरोज भाई मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब मजबूरी में किया है और आपका बाइक मैंने 50,000 में बेच दिया है, मैं अभी जाके वापस ले आता हूँ। अरे रहने दे मोटरसाइकिल को, वो भी आ जाएगा, तू जाके अभी अपनी बीवी का इलाज करा, अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मगर मुझे सब समझ आ गया है, अगर कोई मजबूर आपके दरवाजे पे आता है तो उसकी मदद कर देनी चाहिए, अगर कल को वो कोई गलत कदम उठाता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तुम जाओ अस्पताल, मिलता हूँ तुमसे फिर।
इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।